गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज ईद है और मेरी तरफ से सब मुसलमानों को ईद मुबारक। अभी मैंने फजर की नमाज़ पर ये रेडी हो चुका हूँ। सो अभी मैं बस जाने लगा हूँ ईद की नमाज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईद की नमाज़ भी जल्दी हो जाती है। फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ईद की नमाज़ भी हो जाती है। सो गाइस फाइनली ईद की नमाज़ पढ़ ली है। सो अभी जाऊँगा रूम में, फिर नाश्ता भी नहीं बिकी, नाश्ता करते हैं जाके। उसके बाद फिर मटन बनाएंगे यहाँ, बिरयानी जो भी अच्छा लगा वो बनाएंगे सुबह, तो वो जाके फिर करते हैं और आपको भी साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। सो अभी जोहर का टाइम है, ईद की नमाज पढ़ के मैं फिर आके नाश्ता करके सो गया था। सो अभी उठा हूँ, अभी मैंने बनाया मटन बनाया है और अभी लेके आया हूँ बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ एंड साथ में रोटी वगैरह लेके आया हूँ तंदूर से। सो अभी मैं खाऊँगा मटन और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि कैसा बना है। सो चलते हैं, लेट्स गो गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने मटन बनाया है, इसमें लुक आप कुछ करते हो पाएगा लुक। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है और मज़े का भी है बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं खाना खा लूँ उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। बाय बाय, तब तक के लिए। तो गाइज अभी इधर आया हूँ मैं बाहर पार्क में और मौसम बहुत मज़े का मौसम है। इतना हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और व्यू बहुत ज़बरदस्त है। और अभी मैंने इधर से कुछ लिए, कोल्ड ड्रिंक लिया साथ, केक वगैरह लिए, वो बिस्किट वगैरह वो खाऊंगा, अभी थोड़ा एंजॉय करूँगा मौसम को। सो साथ साथ आपको मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। सो गाइज इस टाइम मैं मौजूद हूँ जुमेरा बीच में और मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह बैकग्राउंड है। और गर्मी भी है बट व्यू बहुत ज़बरदस्त व्यू है इसका। और अभी मैं बीच पे जा रहा हूँ, बीच बिल्कुल सामने है, दो मिनट रास्ता है बीच का। सो अभी मैं बीच में पहुँचूँगा तो मैं सर चलो थोड़ा इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। दुबई की ना आई थिंक सबसे जो अच्छी जगह वो यही एरिया है, बुर्ज खलीफा, बिजनेस वे, इस साइड बेवेला जो एरिया ना ये सबसे अच्छा है। यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल ही है बट फिर भी। गाइस अभी आपको मैं थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ यहाँ से बीच का। देखिए ज़बरदस्त व्यू, के मैं मौजूद हूँ फाइनली जुमेरा बीच में और ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है, इतना रश भी नहीं है। मौसम भी बहुत मज़े का, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो इंजॉय करते हैं मौसम को। और नहाने का भी बहुत दिल लगे नहाऊं बट मैं साथ कुछ लेके नहीं आया। वाइट कपड़ों में तो नहीं नहा नहीं सकता, तो यही है ऐसे इंजॉय करूँगा कसम से। इतनी मज़े की हवा चल रही है ना, फ्रेश हो गया बिल्कुल, वरना यहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है। तो गाइस इस टाइम मैं पानी के अंदर आ गया हूँ और सीन कुछ ऐसा हुआ कि वो आज मैं उतारने लगा था वो सीधा मेरे पानी में गिर गया, सारा उसमें पानी चला गया, ख़राब हो गई है एंड कपड़े भी मेरे गंदे हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि मैं ना इसके इधर बैठा हुआ था पैर बिल्कुल साइड पर ना, मैंने सोचा पैर बैठ के थोड़ा ना इसका मज़ा लेता हूँ बैठ के बाहर, बट वो पानी के ऐसे बहाव आया वो सारे मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, फिर इसलिए मैंने सोचा भी अंदर आ जाऊँ। तो गाइस फाइनली बहुत टाइम मैंने इधर इन्जॉय किया है, बैठा रहा, नहाया तो नहीं हूँ क्योंकि मेरी ड्रेसिंग ही नहीं थी ऐसी कि मैं नहा सकूँ। और बाकी मैंने बहुत इन्जॉय किया दिन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा मेरा। और अभी
नींद भी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो अभी बस इधर से निकलूँगा वापस रूम के लिए एंड फिर देखता हूँ कल का क्या प्लान है। बट आज के लिए बहुत हो गया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े का दिन गुजरा है, मौसम भी अच्छा था, इन्जॉय भी बहुत किया है। सो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।